इस बात की फिक्र नहीं है कि मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। अगर तुम्हें किचन में वो शौक लगता तो पता है क्या होता? क्या होता? तुम वहां बेहोश हो सकती थी, हॉस्पिटल जा सकती थी। तो हॉस्पिटल पहुंच जाती ना, डिनर तो ठीक से हो जाता। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम हॉस्पिटल जाती और सब लोग क्या डिनर करते? मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी करी। क्या ड्यूटी करी थी? मैंने मना किया तो कौन सी ड्यूटी करी? तुम खड़ी क्यों हो गई? क्योंकि मुझे खड़े होकर आपसे बात करना। खड़े होकर क्या बात करना है? मैं खड़ी होकर आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इज्जत करती हूँ आपकी। आप मुझसे सवाल कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर है। आपकी खुशी में मेरी खुशी है। अरे तुम मेरी रिस्पेक्ट इसलिए करते हो क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, लेकिन इतना भी क्या रिस्पेक्ट करना कि आग बन करके कुछ भी कर लोगी तुम? क्यों करते हो तुम ये सब? क्योंकि मैं क्या मैं केयर करती हूँ आपकी? केयर तो मैं अपने कुत्ते का भी करता हूँ, लेकिन उसके लिए पार्टी थोड़ी ऑर्गेनाइज करता हूँ। उससे थोड़ा ज्यादा केयर। कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा। प्यार जितना? क्या है तुम्हारे दिल में? देखो आप चुप मत रहो। तुम मुझे बताओ तुम्हारे दिल में क्या, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे दिल में क्या। बोल तो मत रोको अपने आप को। बिना कहे मेरी दिल की हर बात जान लेती थी ना तुम, तो आज मुझसे अपने दिल की बात क्यों छुपा रहे? बोलो ना, क्या है तुम्हारे दिल में? तुम बताओ मुझे। बोलो ना, बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्योंकि मैं भी प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार करता हूँ, नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। बोलो तुम। देखो आज बोल दो, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है मुझे बोल दो। वैसे तो हर बात का जवाब देती हो, आज जब मैं तुमसे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ तो तुम उसका जवाब नहीं दे सकती। आई लव यू, 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 आई लव यू। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, नहीं रह सकती आपके बिना। Really, really love you. I love you so much. आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। हाँ
तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखिए ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक। नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी